मैं विनीता गुप्ता, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर, सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड पार्लर मैनेजमेंट में आज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगी। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करने से पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि उद्योग किसे कहा जाता है। तो साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि मानवीय श्रम व मशीनों के माध्यम से किसी वस्तु को इस प्रकार से परिवर्तित करना कि वह वस्तु अपना पुराना स्वरूप खो दे और वर्तमान में और अधिक उपयोगी हो जाए। इस प्रकार रूप, गुण, आकार और प्रकार में परिवर्तन को ही उद्योग कहा जाता है। परिवर्तन की प्रत्येक क्रिया अपने आप में एक उद्योग होती है और यह भी आवश्यक नहीं है कि परिवर्तन की सभी क्रियाएं एक ही व्यक्ति के द्वारा और एक ही स्थान पर संपन्न की जाएं। उदाहरण के लिए कपास से धुनाई की जाती है, धुनाई के बाद सूत कताई के बाद वस्त्र बुनाई के बाद रंगाई के बाद छपाई और छपाई के बाद विभिन्न वस्त्रों की सिलाई की जाती है। इस उदाहरण से हमें यह समझ में आता है कि इसमें सभी क्रियाएं जो हैं वो उद्योग हैं और जो एंड प्रोडक्ट है वो अगले उद्योग के लिए कच्चा माल या रॉ मटेरियल है। ये सभी क्रियाएँ अलग अलग स्थान पर और अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा संपन्न की जा सकती हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार उद्योग से तात्पर्य ऐसी प्रक्रियाओं से हैं जहां अनिर्मित माल को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा इस प्रकार का आकार प्रदान किया जाता है कि वह बाजार में बिकने योग्य बन जाए। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि समाज की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संपन्न प्रक्रियाओं से है। समाज के द्वारा सभी चीज़ें काम में ली जाती हैं, जैसे वस्त्र, लकड़ी, धातु, खनिज आदि। उद्योग का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण पूंजी निवेश के आधार पर विभिन्न प्रकार से किया जाता है। इसमें सबसे पहले आएगा प्रक्रम अथवा पूंजी निवेश के आधार पर। पहला है इसमें अति लघु उद्योग। ऐसे उद्योग जिनमें स्थिर परिसंपत्तियों के रूप में संयंत्र और मशीनरी पर 25 लाख रुपए से अधिक की पूंजी न लगी हो, अति लघु उद्योग कहलाते हैं। स्थिर परिसंपत्तियों के अंतर्गत आता है जो कि हमारा फिक्स अमाउंट होता है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है, जिसमें भूमि, भवन और उपकरण इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें 25 लाख रुपए से अधिक की पूंजी न लगी हो, ये अति लघु उद्योग कहलाते हैं। इनका MSMED के अंतर्गत माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अंतर्गत इन चीज़ों का निर्धारित किया गया है। लघु उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ऐसे उद्योग जिनमें स्थायी लागत वही मशीनों और उपकरणों पर मूल व्यय के अंतर्गत व्यय 1 करोड़ रुपए से अधिक न हो, लघु उद्योग कहलाते हैं। इसके अंतर्गत खिलौने, गारमेंट्स, हौजरी, ऑटोमोबाइल के कलपुर्जे, हस्त औजार, पैकिंग सामग्री से संबंधित लघु उद्योगों में अब सरकार के द्वारा निवेश की सीमा को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। मध्यम उद्योग, ऐसे उद्योग जिनमें स्थायी लागत के अंतर्गत निवेश 5 करोड़ रुपए से अधिक व 10 करोड़ रुपए से कम हो, मध्यम उद्योग कहलाते हैं। नेक्स्ट है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ऐसे उद्योग जिनमें स्थायी लागत प्लांट और मशीनों पर निवेश 10 करोड़ रुपए से अधिक हो, वृहद उद्योग कहलाते हैं।
नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आएगा हमारा स्वामित्व के आधार पर अकॉर्डिंग टू ओनरशिप। इसमें पहले है एकल स्वामित्व उद्योग, साझेदारी उद्योग, निजी सीमित उद्योग, सार्वजनिक सीमित उद्योग, सहकारी उद्योग और सार्वजनिक उद्योग आदि। सबसे पहले है एकल स्वामित्व उद्योग। ये उद्योग एकाकी व्यापार वह व्यापार का स्वरूप है जिसे एक ही व्यक्ति प्रारंभ करता है, चलाता है और जिसके लाभ और हानि उसके द्वारा ही वहन किए जाते हैं। नेक्स्ट है साझेदारी उद्योग। जिस व्यापार में दो या दो से अधिक स्वामी होते हैं और उनका आपस में एक निश्चित व्यापारिक समझौता होता है उसे साझेदारी कहते हैं। साझेदारी दो प्रकार से बनाई जा सकती है। फर्स्ट है इसमें मौखिक अनुबंध और दूसरा है इसमें लिखित अनुबंध। नेक्स्ट है निजी सीमित उद्योग। इसमें अधिकतम 50 सदस्य होते हैं और ये सभी अंशधारी या शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। यह रिश्तेदारों और मित्रों को मिलकर बनाई जाती है और इसमें अंश सदस्यों को ही ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। इस प्रकार की कंपनी के आगे प्राइवेट शब्द का लगाना कानूनी रूप से आवश्यक होता है। अब हम बात करेंगे सार्वजनिक सीमित उद्योग। इसकी सदस्यता देश के सभी व्यक्तियों के लिए खुली है। इसमें सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 व अधिकतम संख्या के लिए कोई सीमा नहीं है। सार्वजनिक कंपनी न तो अंश अर्थात शेयर्स के हस्तांतरण पर रोक लगाती है और न ही सदस्यों की संख्या पर। सार्वजनिक कंपनी अपनी पूंजी शेयरों एवं ऋण पत्रों को जनता में बेचकर इकट्ठा कर सकती है। सार्वजनिक कंपनी का अर्थ ऐसी कंपनी से है जो कि निजी कंपनी नहीं है। सहकारी उद्योग। सहकारी संगठन आर्थिक दृष्टि से कमजोर उन लोगों का संगठन है जो समान अधिकारों और समान दायित्वों के आधार पर स्वेच्छा से मिलकर संस्था खोलते हैं। यह एक स्वैच्छिक संगठन है। सदस्य जब चाहे सदस्यता में रह सकता है और जब चाहे सदस्यता छोड़ सकता है। सदस्यों की इसमें कोई सीमा नहीं होती है। सार्वजनिक उद्योग यह वह उपक्रम है जिनकी स्थापना सरकार द्वारा जनहित में सरकारी कोष से धन प्रदान करके की जाती है। इनका नियंत्रण कंट्रोल स्वामित्व ओनरशिप और प्रबंध मैनेजमेंट केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के अधीन होता है। नेक्स्ट है उत्पाद के आधार पर अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। इसमें सबसे पहले वस्त्र उद्योग है। इसमें विभिन्न प्रकार के वस्त्र आ जाते हैं जैसे सूती रेशमी और पर्दे के कपड़े। जितने भी वस्त्र होते हैं आर्टिफिशियल यार्न सब इसके इस उद्योग के अंतर्गत आते हैं। रासायनिक उद्योग में जितने भी रसायन होते हैं जो कि लेबोरेटरीज में काम में लिए जाते हैं या हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने के काम में लिए जाते हैं वो इस उद्योग के अंतर्गत आते हैं। विद्युत उपकरण उद्योग इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक उपकरण जितने भी होते हैं जिनसे कि जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड्स बनाना, केबल्स बनाना और स्विच बोर्ड्स बनाना ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। चमड़ा उद्योग में चमड़े से जितनी भी निर्मित वस्तुएं होती हैं जैसे बेल्ट शूज़ पर्सेस आदि इस उद्योग के अंतर्गत आते हैं। परिवहन उद्योग में जितने भी परिवहन के साधन हैं जैसे स्कूटर गाड़ी ट्रक बस आदि इस उद्योग के अंतर्गत आते हैं। खाद्य पदार्थ उद्योग इसमें खाने से संबंधित जितने भी उद्योग होते हैं जैसे शक्कर शुगर मिल फ्लोर मिल बेसन मिल और जितने अन्य खाने से संबंधित पदार्थ होते हैं वो इस उद्योग के अंतर्गत आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं जो कि हम घरों में या बाहर काम में लेते हैं जैसे फ्रिज एसी टीवी आदि इस उद्योग के अंतर्गत आते हैं। औषधि और चिकित्सा उद्योग इस उद्योग के अंतर्गत सभी दवाइयाँ और लैबोरेटरीज या चिकित्सा के जितने भी उपकरण होते हैं वो इस उद्योग के अंतर्गत आते हैं।
कागज उद्योग के अंतर्गत जितनी भी न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, कॉपी, किताबें आदि इस उद्योग के अंतर्गत आते हैं। कांच उद्योग में कांच से निर्मित जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो इस उद्योग के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा ऊर्जा स्रोत के आधार पर या अकॉर्डिंग टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसमें सबसे पहला आएगा हथकरघा उद्योग। इस प्रकार के उद्योग में संयंत्र व उपकरणों को जलाने के लिए मानवीय ऊर्जा का ही उपयोग किया जाता है। विद्युत चालित उद्योग, अधिकतर उद्योग चाहे वह लघु उद्योग हो या मध्यम, उनको चलाने के विद्युत ऊर्जा का ही उपयोग किया जाता है। गैस और सौर ऊर्जा चालित उद्योग, गैस एवं सौर ऊर्जा के आधार पर उद्योगों को चलाने के क्षेत्र में सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। हस्तशिल्प उद्योग, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हस्तशिल्प उद्योग का अर्थ, इसका अर्थ है हाथ से काम करने का हुनर या हाथ से किया गया कलात्मक कार्य। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कला संबंधी वह कार्य जिसके संपादन में ज्ञान के अतिरिक्त कौशल और अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। हस्तशिल्प ऐसे कलात्मक कार्य को कहते हैं जो उपयोगी होने के साथ साथ सजाने के काम भी आता है, जिसे मुख्यतः हाथ से या सरल औजारों की सहायता से बनाया जाता है। ऐसी कलाओं का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व होता है। यह हाथ के कौशल से तैयार किए गए रचनात्मक उत्पाद होते हैं जिनके लिए आधुनिक मशीनों और उपकरणों की मदद नहीं ली जाती है। हमारा देश हस्तशिल्प का सर्वोत्तम केंद्र माना जाता है। भारत का प्रत्येक क्षेत्र अपनी विशेष हस्तशिल्प पर गर्व करता है, जैसे कश्मीरी शॉल, गलीचा, नामदार सिल्क व अखरोट की लकड़ी के बने फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान बांधनी के वस्त्रों, तमिलनाडु ताम्र मूर्तियों व कांजीवरम साड़ियों, मैसूर चंदन की लकड़ी व केरल हाथी दांत की नक्काशी, मध्य प्रदेश की चंदेरी, लखनऊ की चिकन, बनारस की जरी के लिए प्रसिद्ध है। यह कलाएं हजारों साल से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और हजारों हस्तशिल्पकारों को रोजगार प्रदान कर रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय शिल्पकार किस तरह से अपने जादुई स्पर्श से एक बेजान धातु लकड़ी या हाथी दांत को कलाकृति में बदलकर भारतीय हस्तशिल्प को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाते हैं। अब हम बात करेंगे हस्तशिल्प के प्रकार। पहला इसमें रेशा शिल्प, फाइबर क्राफ्ट, दूसरा कालीन शिल्प, कारपेट क्राफ्ट, तीसरा है चर्म शिल्प, लेदर क्राफ्ट, चौथा है धातु शिल्प, मेटल क्राफ्ट, नेक्स्ट है मूर्ति शिल्प, स्केल्पचर और लास्ट में है लकड़ी की कला, वुडन आर्ट इसके अंतर्गत आते हैं। सहायक उद्योग, औद्योगिक अधिनियम 1951 में केंद्रीय सरकार ने सहायक उद्योगों को निवेश सीमा के आधार पर परिभाषित किया है। सहायक उद्योग में समय समय पर निवेश की सीमा को संशोधित किया जाता है। सहायक उद्योग वह उद्योग होते हैं जो स्वतंत्र रूप से किसी अन्य बड़े उद्योग के लिए आवश्यक कलपुर्जे, औजार आदि का उत्पादन करते हैं और अपनी क्षमता का कम से कम 50% उत्पादन की आपूर्ति करते हैं, वे सहायक उद्योग कहलाते हैं। इस उद्योग की स्थायी परिसंपत्तियां संयंत्र या मशीनों में निवेश की सीमा 75 लाख रुपए तक है। उद्योगों का के प्रकार, उद्योगों का वर्गीकरण उनके अंतर्गत हो रहे कार्यों के आधार पर भी किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले आएगा उत्पादन उद्योग, प्रोडक्शन बेस्ड इंडस्ट्री। ऐसे उद्योग जहां किसी न किसी वस्तु के उत्पादन का कार्य किया जाता है, उत्पादन उद्योग कहलाते हैं। इन उद्योगों में उत्पादन हस्तचालित अथवा शक्ति चालित मशीनों द्वारा विभिन्न विभागों में
विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा भिन्न भिन्न गति से होता है और वस्तु उत्पादन कार्य के विभिन्न चरणों में पूर्ण होकर अंत में विक्रय योग्य बन जाती है। इसमें विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, रासायनिक, धातु, लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक, कागज़, विभिन्न प्रकार के धागों से अलग अलग आकार व प्रकार की वस्तुओं का निर्माण उत्पादन कार्य उद्योगों के अंतर्गत आता है। सेकेंड है जॉब आधारित उद्योग, जॉब बेस्ड इंडस्ट्री। इन उद्योगों के अंतर्गत ऐसे उद्योग आते हैं जहां उद्यमी स्वयं का उत्पादन कार्य नहीं करता है, अर्थात कोई किसी प्रकार का प्रोडक्शन नहीं करता है, बल्कि अपने ग्राहक से कच्चा माल प्राप्त कर उसके आदेशानुसार प्रशोधन अथवा निर्माण कार्य करता है। ऐसे उद्योग जॉब आधारित उद्योग कहलाते हैं, जैसे आटा पीसने की चक्की, तेल यंत्र द्वारा तेल निकालना आदि। आटा पीसने की चक्की के अंतर्गत गेहूं लिया जाता है ग्राहक से और फिर उसे पीसकर ग्राहक को दिया जाता है। तो ये उद्योग जो होते हैं ये जॉब बेस्ड उद्योग कहलाते हैं। सेवा उद्योग, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री। ऐसे उद्योग जो अन्य उद्योगों के साथ साथ मनुष्यों की सेवा व सहयोग में सहायक होते हैं उन्हें सेवा उद्योग कहा जाता है। कई सामाजिक एवं व्यक्तिगत कार्य भी सेवा उद्योग के रूप में आते हैं, जैसे रोग निदान केंद्र, जांच सुविधाएं, घरेलू उपकरणों की मरम्मत का कार्य, वेल्डिंग कार्य, होटल उद्योग, परिवहन उद्योग, पर्यटन उद्योग, सर्विस उद्योग और इसी के अंतर्गत बुटीक और ब्यूटी पार्लर भी इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, जहां पर कि ग्राहक को सेवाएं दी जाती है और उसके बदले में उनसे पैसा लिया जाता है। तो ये सारे उद्योग जो होते हैं ये सेवा उद्योग के अंतर्गत आते हैं। थैंक यू।